आज मैटिंग कराने लाए हैं ये जो रॉक्सी फीमेल है डबल कोट की जर्मन शेफर्ड की, जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी, ये चैनल पर फर्स्ट टाइम दिखाई देगी। और एक जो मेल है ये जर्मन शेफर्ड का, ये पड़ोसी गांव है हमारा वहाँ पे था, तो इसकी मैटिंग आज कराएंगे, आप सभी को दिखाएंगे। बाकी ये है कि दोनों को पहले छोड़ देंगे थोड़ी बहुत देर, जो एक दूसरे को जान पहचान लें, उसके बाद कराएंगे। ये डॉग है जिसका थोड़ा कलर शेड हो रखा है एज के हिसाब से। बाकी ये रॉक्सी ज़्यादा एज की नहीं है, 3 साल की है, एक बार बच्चे दे चुकी है। इसका कलर अलग है थोड़ा। बाकी अभी इन्हें थोड़ी बहुत देर यहीं बांध देते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको। बाकी डॉग्स में एक खासियत होती है, उसमें एक अलग स्मेल आती है, वो स्मेल इस डॉग ने ले रखी है, तो इसका एक्साइटमेंट कुछ अलग ही है। बाकी जब इसके पास फीमेल आएगी तब आप देख लेना जो भी है। ये आधे घंटे की मेहनत के बाद मैटिंग डन हो गई है। ये ओनर है फीमेल के, बाकी ये है कि जब भी मैटिंग कराएं फीमेल की तो हमेशा याद रखें कि पहले कम से कम कुत्ते के पास 30 से 35 मिनट फीमेल को छोड़ना चाहिए, जो एक दूसरे को वो अच्छे से पहचान जाएं। उसके बाद ज़बरदस्ती कभी करानी नहीं चाहिए, डॉग को छोड़ देना चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से करता है तो बात अलग होती है। यह है कि मैटिंग इसकी आज हो गई है, लगभग देखा जाए तो 3 मैटिंग करानी चाहिए, फर्स्ट मैटिंग के और सेकंड मैटिंग के बीच में 2 दिन का गैप देना चाहिए, लेकिन जो लास्ट मैटिंग है उसमें 1 दिन का गैप देके 3 मैटिंग करा देनी चाहिए। 2 महीने बाद बच्चे दे देगी, इसका रिजल्ट भी आपको हो सकता है दिखाएंगे हम, वीडियो आएगी इस चैनल पर। थोड़ा मौसम भी गर्म है, धूप तो नहीं है, छाँव में ही है, बट जर्मन शेफर्ड ब्रीड में एक अलग ही हीट होती है जो दिख रही होगी आपको। कुत्ते के मुंह से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा।